मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग व्यूइंग इस हफ्ते की रात थी, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, क्योंकि शहरयार मुनव्वर ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ मेरा दिल जीता जब उसने कहा कि क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ। बहुत खूबसूरती से बहुत प्यारी जगह पे आया था, क्योंकि हम आई वॉज थिंकिंग इस सवाल का ये क्या जवाब दें, बिकॉज हुक्स छोड़े हुए थे और लुक फॉरवर्ड करने की जगह बहुत सारी थी कि अब ये जब उस घर में जाएंगे तो क्या होगा। ये छोटी छोटी जगह आपको ग्रिप्ड रखती हैं ना। सो वो आई और सही तरीके से आई। पहले बाप का कि मुझे तो पता ही नहीं था, बच्चे तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। 15 में जब पहली दफ़ा बाप जाता है उस घर में, एंड देन व्हेन दिस गर्ल कम्स टू दिस हाउस, वो लेके आ जाता है जामिन। और दी फ्रीज ऑफ एपिसोड 15 वाज के तुम कौन हो, है ना, तुम क्या हो, तुम कौन हो, वो भी मज़े की जगह थी। मुझे एक और जगह बहुत मज़े की लगी एज़ पर राइटिंग, वो थी जब उसको अपनी सारी कहानी सुना देता है और फिर जितनी भी तुम कह रहे हो कि उसमें उसने वो ओमिट कर दिया है, माँ वाला बेटा, और सुनाने के बाद वो उससे कहती है बट तुमने कभी रिएक्ट क्यों नहीं किया, फिर तुम यू नो तुम्हारे से इतनी ज़्यादतियाँ, और यही बताता है कि जो बताया होगा। कि वैसे मुझे ये वाली जगह अच्छी नहीं लगती जब कोई कुछ बताते और हमें नहीं बताते। मैं नादिया के साथ हूँ इस जगह पे, हाँ। कि ये वाली या तो ये जगह ओमिट कर दिया करो या फिर बता दिया करो कि इसने ये और ये बता दिया है, थोड़ा सा बता के, भले थोड़ा सा म्यूट करके, बट इन जगहों को थोड़ी सी क्लैरिटी दे देनी चाहिए। बट दैट्स राइटिंग। तो उसका जो जवाब आता है ना, वो बहुत मज़े का था। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, क्योंकि शहरयार मुनव्वर ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ मेरा दिल जीता जब उसने कहा कि क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ। वो मोमेंट इतना प्यारा था, वो जुमला बहुत खूबसूरती से बहुत प्यारी जगह पे आया था, क्योंकि हम आई वॉज थिंकिंग इस सवाल का ये क्या जवाब देगा कि अभी तक ये बोला क्यों नहीं है, इतनी ज़्यादतियाँ हो रही थी, मामू को किसी को इसने क्यों नहीं बताया। So I think I really really enjoyed this. भी हो रहा होता है, वो भी बुज़दिल ही होता है, तो ब्लैकमेल हो रहा होता है। अगर आप में बुज़दिल की एक्सप्लेनेशन आएगी ना, अभी वही जो आप कह रहे हो, अभी एक बड़ा हुक बाकी है। सो आई एम थरली इंजॉइंग। अगर मुझे एक्चुअली मैंने ग्रिप के साथ देखा है ना किसी चीज़ को, तो वो रद्द की ये दो एपिसोड्स थी, क्योंकि इनमें मुझे मेरे पास वो जगह थी। सिर्फ अगर थोड़ी सी कमी कहीं है तो वो है कि टॉपिक वही है, थोड़ा सा है मिस्ट्री है और वो सब है, बट हम जो दो और प्लेस जिनके साथ तकरीबन रात इस वक्त खड़ा है, जो कि जैद पत्तों का बन है और जेंटलमैन है, सो वो ज़रा बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं। सो द ओनली डाउन साइड इज़ कि ये वो वाली बातें हैं जो हो चुकी हैं, बट वेरी वेल रिटन, वेरी वेल रिटन। तो बंद थम डेफिनेटली एपिसोड। उस दिन क्या खाया था? मुझे रानी इट वाज नादिया के साथ तो डेफिनेटली लीजा नहीं थी, इल्तवा नहीं थी। जो पॉइंट्स नादिया ने रेज किए हैं, वहाँ कंफ्यूजन मुझे भी हुई दो जगहों पे, तो बिल्कुल हुई, जिसमें एक तो यही था मुहाफिज वाली कहानी और दूसरी कौन सी थी, वही हाँ एक तो था ये देखो तुम अकेली नहीं हो, नहीं, नहीं, खाब नहीं, उसे और दूसरा वाला वही वाला लड़के लड़के। छुपाता नहीं मैंने हाँ, छुपाना नहीं, नहीं, बताया नहीं मैंने, बताया नहीं छुपाया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बताया नहीं। और मेरे है ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है जगह, या कि ये रिटन इन एम्बिग्विटी है कि हम तक पहुँच नहीं पा रही थॉट ऑफ द राइटर विथ फुल क्लैरिटी, बिकॉज दैट हैपन्स। एक्टर का काम यही होता है कि जब आपके पास एक सीन आए और उसमें लाइन ऐसी हो जो कि आपको मुश्किल लगी है पढ़ के, तो आप सिर्फ बोल नहीं देते, आप उसको बिल्कुल ठीक क्लैरिटी के साथ कन्वे करने के लिए अपनी बनाते हो। और ये मैंने बहुत पहले नुमान एजाज से सीखी थी बात, बिकॉज हम अक्सर फंसते हैं ना लाइन में व्हेन वी एक्टिंग, टिल यू नॉट क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू आर सेइंग, एंड ही सेड लाइन में मत फंसो, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मैन ना बनूँ और मैं ये कैरेक्टर रहूँ। तो ही सेड के जो मकसद है लाइन का वो पहुँचाओ। बहुत साल पुरानी बात बता रही हूँ, मैंने आया वॉज अ काइंड ऑफ अ नॉविस एंड ही वॉज स्टिल अ वेरी गुड एक्टर दैट ही इज, मतलब आए हैं और ड्रामा जो है उसका लेवल बदल दिया है उन्होंने। और जब नुमान सीन में होते हैं तो
कुछ गलत लगता नहीं है, सवाए उस जगह के जो नादिया को भी इतराज है और मुझे भी, कि जहाँ आप क्या बात करें हमें भी बताएं, है ना। सो तो मुझे इन दोनों सीन्स में थोड़ा सा शक है कि हम तक एक्टर्स ने पहुंचाने में भी थोड़ी सी कोताही की है। बात को पहुंचाने वाले का भी बहुत बड़ा जिम्मा होता है, तो तीन लोग वो किस अंदाज से कही गई है, द डायरेक्टर एंड द एक्टर, आपका क्या है, आपने पॉज कहां लिया है, वो मीनिंग बदल देता है चीज के। सो द ब्लेम शुड नॉट ओनली बी द राइट थिंग्स, इट शुड गो टू द एक्टर्स आल्सो। सो राइटिंग में कितना नंबर है आपके पास? इस राइटिंग के जो जितने हुक थे वो मेरे तक बिल्कुल हार्ड हिट आके लगे हैं, मुझे सही पहुंचे हैं। बुजदिल वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, लड़की का कहना तुम हो कौन वाला फ्रीज मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मुझे वो जगह मज़े की मिली हैं, हाई पॉइंट्स मिले हैं। आई थिंक रद की राइटिंग फॉर दीज टू एपिसोड्स वाज अ 7 फॉर मी। और 7 सिर्फ इसलिए, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि बात बहुत अनयूजुअल नहीं है और हम मुकाबला जिनसे कर रहे हैं वो बहुत अनयूजुअल बात है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 10,700 हुए हैं और सनम मेहदी जरियाब के हिस्से में ड्रामा सीरियल रद से आए 963, 9% मतलब 0.9, नॉट बैड, 6.5। रुबीना जी, जो जगह जरा सी नीचे गई हैं उसमें जाहिर है अगर हमें लग रहा है, क्योंकि राइटिंग अभी हमें राइटिंग दिखाई देगी जो डायरेक्टर हमें और एक्टर्स हमें दिखाएंगे, हमें स्क्रिप्ट तो नहीं हमारे सामने है, तो उसका थोड़ा सा ब्लेम मैं डायरेक्टर को तो दूंगी ही। फिर और जैसे कि घर में आई है पहली दफ़ा ईमान, तो वो जो घर आप दो घर के एक्सटीरियर्स दिखा रहे हो ना, दो ना एक्सटीरियर्स दिखाओ, एक्सटीरियर सिर्फ एक होना चाहिए था। आपने एक बहुत खूबसूरत जहाँ पर भाई हमेशा मिलता है वो दिखाया, और अब जब ईमान एंटर हुई है तो वो घर फ़र्क था, वो है जिसमें एक बड़ा सा साइड पे लॉन है और वो घर है। तो अगर ईमान भी वो वाला घर देखती जो कि जिसमें भाई हमेशा होता है, वो एक्सटीरियर एक बहुत इम्प्रेसिव एक्सटीरियर हाँ, था और वहाँ उसका वाओ देख के हो जाना। इवन मोहम्मद अहमद का वाओ दूसरी एक्सटीरियर पे हुआ था, नॉट ऑन दैट, है ना। दूसरी जगह जो एक मुझे फील हुई वो थी जब वो पानी का ग्लास जहर, मुझे थोड़ा सा लगा कि स्ट्रॉन्गर बात हो सकती थी। अब मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल गलत है, मगर अगर कुछ ये हल्का सा निकाल देते ना उसमें से और बात इतनी ही कोई होती कि एतराज़ ना हो सकता, तो ज़्यादा मज़े की बात थी। फिर वही जो सीन नहीं संभले जिनमें नादिया ने कहा कि मुहाफिज वाली कहानी और ना बताना और छुपाना वाली कहानी, उसकी क्लैरिटी मिस हुई थोड़ी सी। देन देयर वाज अ सीन जिसमें वो नाश्ते पे आ गई है और बैठी आई है और आके उसने सबको सलाम किया है। आई अंडरस्टैंड नोबडी रिएक्टेड, बट जो जामिन लेकर आया था उसको उसके घर से अपने घर तक, अगर वो ऊंची से जवाब नहीं भी देता बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल सिटिंग ऑन द टेबल, तो सर हिला सकता था बिकॉज वो तो लेकर आया था ना कि मैं लेने, तो वहाँ मुझे लगा डायरेक्टर को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था बिटवीन एवरीबडी एल्स एंड जामिन का रिएक्शन टू द सलाम। एक बंदा तो जवाब दे सकता था। सो छोटी छोटी जगह, म्यूज़िक आई एम थरली इन्जॉइंग, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, म्यूज़िक डिफरेंट है, द रेगुलर पी 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 म्यूज़िक जो हमारे ड्रामों में होता है उससे बहुत फ़र्क है। सो आई एम इन्जॉइंग द म्यूज़िक एंड आई गिव द डायरेक्टर क्रेडिट फॉर दैट। आई थिंक स्टिल द डायरेक्शन वुड बी 6। गुड जॉब। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और अहमद भट्टी के समय 918, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं, नॉट बैड। बात की जाए हिबा बुखारी की, नादिया, हिबा को अच्छे सीन्स मिले लेकिन उसके कपड़े इस्त्री होके नहीं आए। मैं तो पता नहीं, मैं इंतजार ही करती रही, उसने कपड़े दिए, उसने पहनने हैं, कपड़े क्यों नहीं आए इस्त्री होके। एनीवे शायद भूल गए होंगे, वो क्या नाम था उनका जो भी चाचा था, वो भूल गए कपड़े। अच्छे सीन्स थे, काफ़ी लंबे सीन्स थे।